फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में इंडिया का दूसरा दिन भी बहुत अच्छा रहा। जहां इंडिया ने पहले दिन 17 मेडल जीते, वहीं दूसरे दिन भी इंडिया ने 17 मेडल जीते। इनमें से 10 मेडल केवल एथलेटिक्स के हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सारे मेडलिस्ट के बारे में। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, मेंस डिस्कस थ्रो F54, 55, 56 कैटेगरी की। इसमें तीनों मेडल इंडिया के नाम है। पहला गोल्ड मेडल नीरज यादव के नाम है, दूसरा सिल्वर मेडल योगेश खतुनिया और ब्रॉन्ज मेडल मुथु रजा के नाम है। उसके बाद बात करते हैं मेंस 1500 T46 कैटेगरी की। इसमें भी दो मेडल इंडिया के नाम हैं, सिल्वर मेडल प्रमोद के नाम और राकेश भैरा के नाम ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद बात करते हैं हम मेंस 400 मीटर T64 कैटेगरी की। इसमें सिल्वर मेडल जीता है अजय कुमार ने। उसके बाद वुमेंस 400 मीटर T20 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति जीवन जी ने। फिर वुमेंस 100 मीटर T12 में सिल्वर मेडल जीता है सिमरन ने। फिर वुमेंस क्लब थ्रो F32 और 51 कैटेगरी में एकता बुआन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आज का आखिरी एथलेटिक्स का मेडल जीता है मेंस शॉटपुट F40 कैटेगरी में, जो सिल्वर मेडल है रवि रोंगगली के नाम। कैनोइंग में भी इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं। सबसे पहले मेंस KL3 कैटेगरी में मनीष कौरव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर वुमेंस KL2 कैटेगरी में प्राची जाधव ने गोल्ड मेडल जीता। फिर मेंस VL2 कैटेगरी में गजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद पावर लिफ्टिंग में भी एक मेडल आया है, जो मेंस 65 kg कैटेगरी में है, ब्रॉन्ज मेडल अशोक के नाम। लास्ट में आता है शूटिंग, जिसमें इंडिया ने आज 3 मेडल जीते हैं। सबसे पहला मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में, इस कैटेगरी में 2 मेडल इंडिया ने जीते हैं। रुद्रांश खंडेलवाल ने सिल्वर मेडल जीता है और मनीष नरवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और लास्ट मेडल वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है रूबीना फ्रांसिस ने।